हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि अब हाल ही में वीवो कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन वीवो T1 5G और रियलमी कंपनी ने रियलमी 9 प्रो 5G स्मार्टफोन को मार्केट में उतारा है, जो कि दोस्तों कंपनी के बढ़िया स्मार्टफोन हैं। इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इन दोनों ही स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देने के लिए सैमसंग कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन को मार्केट में उतार दिया है, जिसके अंदर आपको दोस्तों कंपनी ने बढ़िया फीचर्स दिए हैं। और इस स्मार्टफोन का प्राइस भी दोस्तों Realme 9 Pro 5G और Vivo T1 5G स्मार्टफोन से कम रखा गया है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपके सामने यह सवाल जरूर आएगा कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया और अच्छे लो प्राइस 5G स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे इन तीनों ही स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन के साथ। दोस्तों, अगर बात की जाए Realme 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक पैनल पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलता है और इसके अंदर आपको पंच होल कटआउट वाली नोच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जबकि दोस्तों Vivo T1 5G स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको वाटर डॉप नोच डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं अगर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक प्लेट पर भी आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलता है और इसके अंदर आपको बिल्कुल छोटी वाटर डॉप नोच डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो दोस्तों, लुक और डिजाइन के मामले में तीनों स्मार्टफोन बिल्कुल अलग अलग टाइप के होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों मुझे सैमसंग गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन ज्यादा बढ़िया लगा। तो दोस्तों, Vivo T1 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.58 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ आती है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और इसके अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी F23 और Realme 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको 6.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ आती है और इनका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और इन दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है और इनकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन तीनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों डिस्प्ले के साइज के मामले में तो ये तीनों ही स्मार्टफोन लगभग एक जैसे हैं। इन तीनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको 6.6 इंच के आसपास की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है और इन तीनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए इन तीनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के बारे में, तो दोस्तों Vivo T1 5G स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कराया है। वहीं अगर दोस्तों Realme 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कराया है। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कराया है। तो दोस्तों इन तीनों ही स्मार्टफोन के कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों कैमरा के मामले में Realme 9 Pro स्मार्टफोन बढ़िया है, इसमें कोई दुराय नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको प्राइमरी कैमरा सेंसर भी बढ़िया मिलते हैं और इसके अंदर आपको दोस्तों सेल्फी कैमरा भी बढ़िया मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए इन तीनों ही स्मार्टफोन के वेरियंट के बारे में, तो दोस्तों Vivo T1 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 4GB और 6GB रैम के वेरियंट में उतारा है, जिनके साथ आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट मिलता है। वहीं अगर दोस्तों Realme 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 6GB और 8GB रैम के वेरिएंट में उतारा है, जिनके साथ आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा और इसके अंदर भी आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को भी कंपनी ने मार्केट में 4GB और 6GB रैम के वेरिएंट में उतारा है, जिनके साथ आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मार्केट में तीनों ही स्मार्टफोन को कंपनी ने दो दो वेरिएंट में उतारा है। और दोस्तों अगर बात की जाए इन तीनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इन तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, Vivo T1 5G और Realme 9 Pro स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 695 SoC का चिपसेट प्रोवाइड कराया है और ये दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। और ग्राफिक के लिए इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको एड्रीनो 619 का GPU भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट प्रोवाइड कराया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एड्रीनो 620 का GPU देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इन तीनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में सैमसंग गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा।
रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने स्नैपड्रैगन का एक बढ़िया और अच्छा पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड कराया है, जो कि आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। हालांकि दोस्तों यह चिपसेट काफी पुराना चिपसेट हो चुका है। और दोस्तों अगर इनकी बैटरी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वीवो T1 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराई है। जबकि दोस्तों बात की जाए Realme 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराई है। सैमसंग गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 25 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बैटरी प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों इन तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको बैटरी तो 5000mAh की देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों इनके फास्ट चार्जर के अंदर आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फीचर्स के मामले में तो ये तीनों ही स्मार्टफोन अलग अलग टाइप के होने वाले हैं। इन तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको कुछ कुछ डिफरेंस जरूर देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर इनके प्राइस की तरफ देखा जाए तो दोस्तों मुझे अब की बार सैमसंग गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि दोस्तों अब की बार स्मार्टफोन का शुरुआती वेरियंट कंपनी ने लगभग 15,000 रुपए में उतारा है, जबकि दोस्तों वीवो T1 5G स्मार्टफोन का शुरुआती वेरियंट आपको लगभग 16,000 रुपए में मिलता है, और दोस्तों Realme 9 Pro स्मार्टफोन का शुरुआती वेरियंट आपको लगभग 18,000 रुपए में मिलता है। तो दोस्तों आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।